मौजूद है रतलाम में और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो रतलाम पहुंच चुकी है। भाई। दर्शकों को यहां पर बता दें कि बदनावर में एक बड़ी सभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी रतलाम पहुंचे। तस्वीरें पीछे आपको हम दिखाएंगे, आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनमानस जो है वो राहुल गांधी को देखने के लिए मिलने के लिए पहुंचा है। ये भी आपको बता दें कि 2 मार्च से ये जो पूरी यात्रा है मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी और मुरैना से यात्रा शुरू हुई, ग्वालियर चंबल का इलाका कवर करते हुए, ग्वालियर गुना शिवपुरी कवर करते हुए और उज्जैन होते हुए यात्रा जो है वो पहुंची है अब बदनावर और रतलाम। रतलाम के बाद यात्रा सलाना पहुंचेगी और यहां से आपको बता दें कि राजस्थान यात्रा चले जाएगी। वही बता दें कि राहुल गांधी जो है वो महाकाल लोक भी गए, महाकाल बाबा महाकाल के दर्शन भी उन्होंने किए, उज्जैन में भी नुक्कड़ सभा को उन्होंने संबोधित किया था और फिलहाल आपको बता दें कि रतलाम में मौजूद है और यहां से सलाना की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि रतलाम में काफ़ी ज़्यादा संख्या में जहां एक तरफ लोग मौजूद रहे, वहीं आदिवासी समुदाय के लोग भी पारंपरिक परिधानों में नजर आए, पारंपरिक जो उनके वाद्य यंत्र है उनके साथ नजर आए। आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र मध्य प्रदेश में इस यात्रा को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि देखने वाला वक्त बताएगा कि कितना फायदा इस पूरी यात्रा का निकल कर आता है लोकसभा चुनाव में। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने लोकसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जो है जारी कर दी है। कांग्रेस ने अभी तक सूची जारी नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि इस यात्रा के बाद जल्द ही कांग्रेस की सूची भी आएगी। फिलहाल ये भी आपको बता दें कि साल 2022 में निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उतना असर तो विधानसभा चुनाव में को नहीं मिला था, लेकिन अब इस यात्रा का यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर दिखेगा लोकसभा चुनावों पर वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण, जिसमें आपको बता दें कि रतलाम पहुंचे हुए राहुल गांधी और अंतिम दिन अब राहुल गांधी की इस यात्रा का इंतजार रहेगा। अब लोकसभा चुनावों की लिस्ट का और नतीजों का और देखना होगा कि कितना असर इस यात्रा का इस लोकसभा चुनावों पर पड़ता है। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ रतलाम से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।